हेलो, जय श्री कृष्णा। आज मैं बनाऊंगी लड्डू, भीम वाले लड्डू। बच्चे लोग बोलते रहते हैं रोज, मम्मी भीम वाले लड्डू बनाओ, मम्मी भीम वाले लड्डू बनाओ। इसलिए मैं आज भीम वाले लड्डू बनाऊंगी। एक गिलास बेसन लिया है, देखिए बेसन है, साफ करके रखा है। एक गिलास गेहूं का आटा लिया है, आधा किलो रवा लिया है। अभी कढ़ाई चढ़ा के गैस ऑन कीजिए। दो बड़ा चम्मच घी डालूंगी मैं, तो देसी घी में बना रही हूँ, आप जैसा अपनी मर्जी से बना सकते हो। अभी घी गर्म हो गया, रवा डालूंगी। रवा डाल के अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, ब्राउन कलर होए तब तक। ये देखिए हमारा रवा अच्छी तरह पक गया है, भी निकाल लेंगे। अभी वापस मैं घी गरम करूंगी, गेहूं का आटा पकाऊंगी उसमें। इसमें भी दो चम्मच डाला है बड़ा। गेहूं के आटे को अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए अभी हमारा आटा भी भून गया है, ब्राउन कलर हो गया है, अभी आटे को भी निकाल लेंगे। अभी वापस घी गरम करेंगे, चार बड़ा चम्मच डालेंगे, इसमें बेसन भूनेंगे। अभी घी गरम हो गया, बेसन डालना है। ये देखिए बेसन पूरा डाल के अच्छी तरह उसको भी पकाएंगे, ब्राउन कलर करेंगे इसका भी। ये देखिए अच्छी तरह, क्योंकि इसमें फुल घी चाहिए। ये देखिए हमारा बेसन भी पूरा तैयार हो गया है, ब्राउन कलर हो गया इसका भी, अभी निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें मिक्स कर देंगे, पूरा मिक्स करके। ये देखिए बादाम डालूंगी, किशमिश डालूंगी, खोपरे डालूंगी, किसके रखा है, पाव किलो शक्कर पिसा हुआ डालूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बाद में खोपरा डालेंगे। अभी शक्कर डालना है, शक्कर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी शक्कर अच्छी तरह मिक्स हो गया है, किशमिश डालेंगे, बादाम डालेंगे, इसको भी वापस अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अभी लड्डू बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक माय वीडियो। ये देखिए हमारा लड्डू रेडी हो गया है। ये देखिए बच्चे लोग का भीम वाले लड्डू, ये देखिए कितना टेस्टी।